सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी को जरूर दबाना। अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत बहुत खुश होंगे। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज ये वाला व्लॉग अपलोड हो रहा है, जिसमें यहाँ पे मैं अपने लश्कारे में आ रही हूँ। और इसके अलावा ये व्लॉग जो है वो ट्रैवलिंग व्लॉग होने वाला है। मैं कराची से पहली बार ट्रेन से कहीं बाहर जाऊँगी, तो आप लोगों को अब मैं साथ साथ वो सब कुछ दिखाऊँगी कि हमने क्या क्या किया और हम कितना ख्वार हुए, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 2 बजे से पहले, 1:30 बजे हम लोग निकल चुके थे, 1:30 बजे या शायद उससे भी पहले, लेकिन हम फिक्स 2 बजे से 15 मिनट थे हम स्टेशन पे पहुँच चुके थे। अभी तक तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी कि क्या क्या होने वाला है, हमने क्या क्या एक्सप्लोर करना है, और आगे आप लोगों को पता चलेगा मेरी एक्साइटमेंट का क्या हुआ। दैट्स माय फर्स्ट टाइम। पॉज करके पढ़ लो भाई, क्या लिखा हुआ है मुझे खुद नहीं पता। ये फाइनली वी आर हियर। टाइम गलत चल रहा है, चीज़ नहीं मिली हमें। अब हम घूम रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की शॉप। गुड बाय। उसकी स्पीड देखो बढ़ती जा रही है, अब आपके लिए रुकेगी। ये तो तुम लोगों की ट्रेन तो नहीं है। नंबर मस्ता फिरुल्ला यार, ये कस्टम है, ये तो वो वाली ट्रेन कस्टम है, ये कस्टम की ट्रेन है। चढ़ जा चढ़ जा। और यहाँ पे मैं अपने ट्रैवल को यादगार बनाने के लिए अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही थी, जो कि पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे बदबे मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। मेरी ट्रेन आनी थी 3:30 बजे, लेकिन वो 3:30 बजे नहीं आई। ट्रेन का अब बताया है कि ट्रेन आएगी और वो कितने बजे आएगी, 8 बजे तक आएगी, और उस पर भी कंफर्म नहीं है कि 8 बजे आएगी या नहीं आएगी। तो ये हाथ में मेरे बिल थे, मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ खाने के लिए। तो मैं वहाँ पे जो शॉप है ना, वहाँ से मैं खाने के लिए लेने गई। अभी पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक मेरे ऊपर इतना सारा सामान है, अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। हालत बहुत बुरी होती जा रही है, जितनी प्यारी मैं बनकर आई थी ना, मेरी हालत बुरी होती जा रही। कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं यहाँ पे। अपने टाइम पे ट्रेन आई नहीं, मुझे पता था ट्रेन लेट होनी है, और हम लोग यहाँ पे 2 बजे से बैठे हैं। अब 4:45 का टाइम रहा, 5 बज चुके हैं अब, और ट्रेन अब बोला है कि 8 बजे आएगी। अभी उसका भी कंफर्म नहीं है कि 8 बजे आएगी या नहीं आएगी। खैर, मैंने ये वाला कलर इसलिए पहना था, मुझे पिक्चर्स वगैरह लेनी थी, लेकिन मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है अब इंतज़ार कर करके कि पिक्चर्स का मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं मेरे को इतनी नींद आ रही है ना टाइट वाली, बस मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है सारी व्लॉगिंग सारी साइड पे हो जाएगी, मैं जाऊँगी और मैं ट्रेन में सो जाऊँगी। लेकिन मुझे ना ड्यूरिंग ट्रैवल मुझे नींद नहीं आती। वैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन वाला। और यहाँ पे मैं ट्रिगर वार्निंग दूंगी कि स्टेशन की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये बाहर से लेकर आए थे, लेकिन ये इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था बिरयानी का। ट्रेन आ रही है, ट्रेन लगी है और ये भी वॉश होने के लिए आई है, और हम इसके साथ हरकतें कर रहे हैं। ये हमारा एक मिनट हटो भाई हटो, मैं ट्रेन देखूँ। ये वॉश होने आई, यार कितनी सफोकेटेड हो रही है तो बहुत। चलो कैसे उतरना है भाई, बिस्मिल्लाह। चले भाई, बड़े एहतियात से होते हैं।
कोल्ड ड्रिंक इतनी सारी जमा कर ली ना, लेते जा रहे हैं गर्म होती जा रही है, लेते जा रहे हैं गर्म होती जा रही है। मैं वहाँ जाके मैं बेचना शुरू कर दूँगी 10-10 रुपये का कमीशन नहीं। मतलब तकरीबन 2 बजे से हम लोग आके बैठे हुए हैं और अभी 6:30 या 6 का टाइम हो रहा है कुछ, और इनके हाथ में पता नहीं किस किस टिक लग गई। हमने बोला हम नहीं छोड़ेंगे, हम जा रहे हैं वापस घूम घुमा कर। हम इस वाले पेडस्टल पे गए तो ऊपर वेदर बड़ा मस्त हो रहा है। डूज वी आर स्टिल हेयर और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे भी ऐसे सीन चल रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमारी वाली ट्रेन आने का कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे हमारे स्टेशन का सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है कराची स्टेशन का। अब मैं आपसे मिलूँगी ट्रेन में। और यहाँ पे अब हम कराची से बाहर निकल चुके हैं और इतना फ्रेश एनवायरनमेंट था। अगर आपने मेंटली पीस चाहिए ना आपको, तो आप फ्रेशली ग्रीन एनवायरनमेंट में जाएं, आपको इतना सुकून मिलेगा। जैसे मुझे खुशी हो रही थी बाहर ऐसे देखकर, यहाँ तक तो मैं बहुत खुश थी। अब देखते हैं आगे। चिकन बिरयानी रोस्ट वाले ये खाने वाले का स्टेशन। और यहाँ पे मैं, अच्छा मुझे ना ट्रैवल में नींद नहीं आती, तो मैं यहाँ पे ना बाहर विंडो से देख रही थी और मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है। अच्छा मुझे ना बारिश बहुत पसंद है, तो मैं पूरे रास्ते वेट कर रही थी कि कब बारिश आएगी और मैं कब बारिश इंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे मैं बारिश इंजॉय कर रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी, लेकिन ट्रेन वो इतनी स्पीड में थी तो पता ही नहीं चला कुछ। और ये है दरियाए रावी, लेकिन लिटरली जब मैंने बारिश देखी तो मेरा दिल ऐसा था कि मैं वहीं पे रुक जाऊँ, मैं आगे जाऊँ ही नहीं, इतने मज़े की बारिश हो रही थी वहाँ पे। और उसके बाद जब हम यहाँ से थोड़ा निकले ना, तो ये यहाँ के घर देख के मुझे, मैं ये सोच रही थी कि ये लोग, मतलब कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, यहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। फिर इसी सोच में आगे बढ़ते बढ़ते बातें करते करते अम्मी से बाकी हम पहुंच गए लाहौर। और ये है लाहौर का स्टेशन और आई वाज वेरी शॉक के लाहौर का स्टेशन इतना प्यारा बना हुआ है। और कराची का स्टेशन जो है उस पर इतना काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी थी, लाहौर का स्टेशन मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ से फ्रेश होने के बाद हमने थोड़ा वेट किया कि हमें कोई कैब मिल जाए, बट वहाँ पे कैब अवेलेबल नहीं थी, तो हमने रिक्शा लिया और फिर हमें मिलना था किसी से स्पेशल वन से, तो हम वहाँ पे गए उनसे मिलने। और मैं लाहौर में ये चीज़ देख रही थी कि यहाँ सारे घर जो थे वो रेड कलर के ना ईंटों से बने हुए थे, तो उससे शायद पता चल रहा था कि हाँ ये लाहौर है। अब फिर उसके बाद हम जहाँ गए सुबह लाहौर जाएँ और दाता दरबार ना जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम निकले थे बाहर थोड़ी आउटिंग के लिए और उस पर हम लोगों ने सोचा कि हम जाते हैं दाता दरबार, सबसे पहले वहाँ पे हाज़िरी देंगे। और मैंने ना दाता दरबार कभी देखा भी नहीं था, तो इसलिए हमने पहले एक्सपीरियंस से मेरा, तो हम यहाँ पहुँच गए दाता दरबार में। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं बिल्कुल दाता दरबार के फ्रंट वाले रोड पर। और यहाँ पर जो थी, मैं आधा रास्ता मैंने सोकर गुजारा था क्योंकि मैं रात में सोई नहीं थी और हम लोग बहुत थक चुके थे। पापा और अम्मी में फिर एनर्जी थी, लेकिन मैंने रात सोई नहीं थी तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि मैंने दाता दरबार देखना था फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे लेडीज़ का और जेंट्स का जो था वो अलग अलग रास्ता था और मैं यहाँ पे एंट्रेंस में आ चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ज़्यादा रश नहीं था, इतना रश मुझे लगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस था जहाँ पे मुझे रश लगा नहीं था, लेकिन बाकी आगे चल के देखते हैं कितना रश है कितना नहीं। अब हम वहाँ से यहाँ आ गए।
वहाँ पे लास्ट चेकिंग हुई है, उस वाली चेकिंग में हमें कहा था कि मास्क उतार दें, मास्क इस वजह से उतारे ताकि आपके कैमरे में ना फेस आ जाए आपका। अब वो फेस क्यों आ जाए वो नहीं पता मुझे। पहुँच गए हैं यहाँ पे, आप अपनी स्लीपर्स रखवा सकते हैं, यहाँ पे आप स्लीपर्स रखवाते हैं, स्लीपर्स रखवाने के बाद वो कह रहा है हमें समझ नहीं आ रहा अभी कुछ। नई चप्पल पहन के आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आपकी चप्पल जो है वो एंट्रेंस पे यहाँ पे रखवा देते हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे स्लीपर्स रखती हैं, अभी हमारी स्लीपर यहाँ पे रखी हुई, हमारी स्लीपर रखी ही नहीं गई है। यहाँ पे रश चेक करें, इतना चीख रहे ना लोग, पता ये वहाँ से एंटर होते हैं ना तो ये बिल्कुल यहाँ पे सामने ये चप्पलों का है। अब यहाँ से हम बिल्कुल जाएंगे तो यहाँ पे जाके आता है एंट्रेंस जो है मेरा एंट्रेंस। मेरी वीडियो इतनी मस्त बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे ये अंदर जाने वाला एरिया है, ग्रिल अच्छी बनाई हुई है। मैं दूर से लूँ तुम आते हुए मेन एंट्रेंस वो रहे पापा, पापा नजर आ गए। बस ये वाला जो सेक्शन है बस ये वाला लेडीज़ का है, उसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है वो सारा जेंट्स का है। वीडियोस वगैरह अच्छी वाली वो यहाँ पे बनती हैं, लेकिन खैर यहाँ पे सीन ही है आपके कोई भी बैग वैग लाने वाला ना कोई फ़ायदा नहीं है बैग लाने का या साथ में कुछ भी लाने का, कुछ भी खाने पीने का। खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल सकती हैं, और अगर आपके हाथ में कोई बैग वगैरह हो तो वो जस्ट आपको ये होता है कि आपको बैंड कर देगा, वो सो रहे उतने लोग बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अपने आप को देख रही थी, मैंने कलर्स प्रोमिनेंट इसलिए पहने थे क्योंकि कंट्रास्ट अच्छा लगता है, वाइट मार्बल पे रेड और हिजाब का कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगता, और यहाँ पे मुझे अपने हाथ इतने प्यारे लग रहे थे। अच्छा मैंने आर्टिफिशियल नेल्स नहीं थे, ये मेरे पर्सनल नेल्स थे जो कि मैंने अब कट कर दिए। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। गर्म हो रहा है, नंगे पैर हम जा रहे हैं लोग बैठे हुए, मेजॉरिटी लोग यहाँ वीडियोस बना रहे हैं। ये हम यहाँ क्या करना है, अच्छा वहाँ से वो है बोले। बड़ी लाइन वो अंदर तक जो है ना वो लाइन जा रही है, और हम अभी लाइन में लगे हैं क्योंकि हमें मज़ार के अंदर जाना है। अब अंदर जाना है हमें, उस तरफ जाना है हमें। अच्छा फिर ये लाइन क्रॉस करने के बाद ये अंदर वाला सेक्शन है, मुझे लगा था कि थोड़ा अहाता टाइप का बना होता है जहाँ से लेडीज़ का सेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एक विंडो टाइप की ओपन थी जहाँ से आप दुआ मांग सकते हैं। ये मुजावर वगैरह खड़े हुए थे तो लोग यहाँ से ही दुआ मांग रहे थे, और नहीं है तो सब इधर से ही दुआ मांग रहे हैं। अच्छा ये जो विंडो यहाँ पे खुली हुई थी इसमें से जो था वो मज़ार थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, जहाँ से लेडीज़ को अलाउ किया था वो वहाँ पे दुआ वगैरह मांग रहे थे। फिर उसके बाद हम बाहर की साइड निकलते हैं तो यहाँ पे जो लेडीज़ थी वो सिपारे पढ़ रही थी। नाउ वी आर डन, हमने मज़ार पे हाजिरी दे दी है और फातिहा वगैरह मतलब पढ़ ली है, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर इसके अंदर क्या है, ये जो ये वाला साइड है इसके अंदर क्या है। ओह हाँ, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रील्स वगैरह रिकॉर्ड की थी जो कि मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी, और उसके बाद हमने सोचा कि अब बस हम यहाँ से फ्री हो गए हैं तो हम जाएंगे वापस, और असर का टाइम था। और इतने में मुझे यहाँ पे नज़र आया ये आबे शिफा यहाँ पे मिल रहा था, आई डोंट नो इसका क्या लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे लोगों की ये नीयत थी कि इससे अगर आप ये पानी पीते हैं तो इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होती, या कोई बीमारी हो तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद असर यहाँ पर हमें हो चुकी थी तो हमने सोचा कि नमाज़ पढ़ के जाएँगे, अपनी सेफ्टी खुद करनी होती, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। एक्चुअली मैं अपने आप को देख रही थी, मैं बैठी हुई नहीं थी सिर्फ। फिर उसके बाद पापा कैमरा जो था क्योंकि अलाउ नहीं थे तो पापा कैमरा अंदर लेके गए थे जेंट सेक्शन में, तो फिर वहाँ से उन्होंने वीडियो शूट की थी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हमें निकलना था असर में, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे
अजान हो गई थी, फिर उसके बाद अम्मी ने नमाज़ पढ़ी, पापा ने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं यहाँ पे मैं सो भी गई थी थोड़ा सा सोने के बाद। फिर जब मैं उठी तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, फिर हमने सोचा कि हम बाहर जाते हैं कुछ खाते पीते हैं, वो मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए। और फिर यहाँ से बस मैं आखिरी देख रही थी वीडियो रिकॉर्ड की मैंने, फिर उसके बाद यहाँ से हम जा रहे थे घर की साइड। रात होते होते इतना रश हो रहा था यहाँ पर, आई डोंट नो क्यों। यहाँ से हम अपनी स्लीपर्स कलेक्ट की, स्लीपर्स कलेक्ट करने के बाद मैंने स्लीपर पहनी, फिर हम घर जा रहे थे और मतलब वापस जा रहे थे हम। तो फिर उसके बाद बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।